ईरान ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है क्योंकि असद और रूस के खिलाफ युद्ध के तगार पर खड़ा होने वाले कट्टर दुश्मन हैं। इजराइल सेना ने ईरान को देश की सैन्य बेस स्थानों को प्रदर्शित करने वाली छवियों को जारी कर सीधे चेतावनी जारी की है। उपग्रह छवियां ईरान के क्रांतिकारी गार्ड्स बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सीरिया के सैन्य ठिकानों को इंगित करती हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान को धमकी देने के तरीके से यह स्वीकार कर रहा है कि उन्हें पता है कि ईरान के ठिकाने कहाँ हैं और जहाँ तनाव बढ़ता है वहाँ वे कहाँ बम छोड़ सकते हैं। इसमें आशंका है कि दोनों देशों के बीच तनाव बिगड़ने से सीरिया में युद्ध में एक खतरनाक नए चरण का सामना हो सकता है। ईरान की वायुसेना की उपस्थिति सीरिया में 5 हवाई अड्डे पर स्थित है, जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल और राजधानी के एक हवाई क्षेत्र के दक्षिण पूर्व शामिल हैं। एक वरिष्ठ इजरायली रक्षा अधिकारी ने कहा, सभी कूटनीति और चेतावनियों के बावजूद ईरानी अभी भी सीरिया में अपने स्थायी आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हम पुतिन को उन्हें रोकने के लिए बहुत कड़ी कोशिश नहीं देखते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट। रूस को ईरानियों को जमीन पर जूते की आपूर्ति की जरूरत है अमेरिका के लिए। हम अभी तक सीरियाई मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन से स्पष्ट नीति नहीं देखते हैं और इजरायली सैन्य खुफिया के पूर्व प्रमुख मोस एडलिन ने कहा, यह नवीनतम विकास अचानक हुआ नहीं था, यह ईरानियों का एक परिणाम है कि सीरिया और इसराइल में घुसपैठ करने का संकल्प ऐसा होने से रोकने के लिए निर्धारित किया गया है। यही कारण है कि इन दो सामान्य जोखिम प्रतिकूल शक्तियां अब टकराव के करीब हैं। यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि पुतिन सीरिया को स्थिर करने में रुचि रखते हैं और वह स्थिति को काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इजराइल की खुफिया जानकारी का मानना है कि ईरान ने इस महीने की शुरुआत में सीरिया में एक ईरानी ड्रोन बेस पर हड़ताल के लिए प्रतिशोध में हमले की योजना बनाई है। उनका मानना है कि ईरान ने सीरिया में अपने ही स्वतंत्र ढांचे का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे इजराइल हड़ताली हो। इजराइल ने सार्वजनिक रूप से पिछले हफ्ते ईरान पर हमला करने के लिए भर्ती नहीं किया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे पहले कि हमले हुए हमले के बारे में बताया था।